आप देख रहे हैं अमेज नाउ। उच्च शिक्षा महोत्सव एक भागीरथ प्रयास। गोरखपुर महानगर में उच्च शिक्षा महोत्सव के अंतर्गत तकरीबन 15 टेक्निकल और मेडिकल विद्यालयों विश्वविद्यालयों ने एक छत के नीचे अपने अपने काउंटर लगाए, जिसमें तकरीबन 2000 छात्र छात्राओं ने अपनी जिज्ञासा पूरी की। इस मेले में अधिकतर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ शिरकत किया और ढेर सारी जानकारी भी हासिल की। आपको बता दें कि यहाँ उत्तराखंड, हैदराबाद, बेंगलुरु, हरियाणा समेत NCR के दर्जनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट और विद्यालय के फैकल्टी पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को जानकारी दी। ये हैं GN ग्रुप के डॉक्टर विशाल नेहरा। कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन खाली यही नहीं है कि एजुकेशन का मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग ही होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये है कि समाज में भी डेवलपमेंट हो, बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है, ये खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती। तो वहाँ से यहाँ उठ के आने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन बच्चों की बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं उनके करियर को लेके, माँ बाप के बहुत सारे सवाल हैं, माँ बाप चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा अगर इस लाइन को चूज़ करे तो कौन से कॉलेज से चूज़ करे और इसी लाइन को क्यों चूज़ करे, इसी स्ट्रीम को क्यों चूज़ करे। ये कई सारे सवाल हैं, ना तो आज के टाइम में माँ बाप के पास इतना समय देना भी चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चा तो समय निकाल के एक हफ्ते के लिए इतनी दूर जाए, वहाँ से कुछ एक दो कॉलेजों के पास जाके घूम के वापस आ जाए, तो बेहतर है कि वहाँ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या वहाँ से बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हम जैसे GN ग्रुप जैसे अगर यहाँ आ जाए तो शायद उनके लिए ये काम आसान होगा। इस वृहद मेले के आयोजनकर्ता हैं रविंद्र शाह, जो हर साल इस तरीके की कोशिश करते रहते हैं ताकि पूर्वांचल के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। पढ़ाइए उसे आप सस्ते या महंगे से नहीं तोड़ सकते, इसकी उसको आप उसकी केवल क्वालिटी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो जो दवाई होती है आप डॉक्टर को कभी नहीं बोलते कि मुझे सस्ती दवाई लिख दो, आप उसे बोलते हो भाई ऐसी दवाई दो जिससे मुझे आराम मिलेगा, 2 रुपये महंगी है चलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी का में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ये 4 साल की आपकी पढ़ाई है 12th के बाद 3 साल की, इससे आपके जीवन के अगले 40-50 साल चलेंगे। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, AD चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। ये है देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के फैकल्टी अरविंद मिश्रा। मेन मोटो है वो ये है कि गोरखपुर के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम क्या करें कि आफ्टर 12th जो है उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बच्चों को अवेयर करवाएं। बच्चे अगर 12th के बाद में किस फील्ड में किस सेक्टर में जाएगा जिससे बच्चे का ग्रोथ, बच्चे के प्लेसमेंट, बच्चे का एजुकेशन जो वो करेगा वो सार्थक कर पाएगा, इसके बारे में बच्चे को अवेयर करना ही मेन हमारा कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार IIM से फैकल्टी अंकित रावत। ज़्यादा वो जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, क्योंकि क्या है कि 12th के बाद बच्चों को ये जानकारी ही नहीं है कि उनको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के साथ साथ उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत क्रेज़ देखने को मिल रहा है, फूड टेक्नोलॉजी का भी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी है, BTech में जो नई ट्रेड्स चल रहे हैं चाहे वो मैकेट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, चाहे वो एप्पल टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सारी चीज़ें ट्रेंड्स में चल रही हैं। चाइनीज ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ 299 में अनलिमिटेड पिज्जा है, 21 टाइप्स के फूड्स है और गार्लिक ब्रेड विथ कोल्ड ड्रिंक्स है, तो बेस्ट है ये बिग डैडी। यहाँ पे आप सब लोग भी आइए। बिग डैडी अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड ऑपोजिट वी मार्ट बशारतपुर गोरखपुर। यह है डॉक्टर अनुराग पांडे ICFAI देहरादून से। प्रारंभ किया गया जो गोरखपुर में एक अच्छे कह सकते हैं आयोजन का, जिसमें आपको बच्चों को उनके पेरेंट्स बहुत एक साथ इतनी यूनिवर्सिटी एक शहर में एक छत के नीचे आ जाना है और उनकी जो क्वेरी है जो करियर से रिलेटेड वो सारे फैसिलिटी को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्सेज को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे MBA के लिए जानकारी लेने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए एंड मेडिकल कोर्सेज की जानकारी के लिए कल और आज बच्चे आए। ये है मानव रचना NCR के फैकल्टी जिन्होंने अपनी बातें संक्षेप में अपनी बातें रखी। उनके माइंड में ये आता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये फाउंडेशंस है भी, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल जिनके करने के बाद फ्यूचर में वो इजी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर सके। क्या स्पेसिफिक कोर्सेज हैं आपके इंस्टीट्यूशन? हमारे यहाँ मोर देन 100 कोर्सेज हैं, सारे के सारे कोर्सेज इंडस्ट्रियल कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को करने के बाद बच्चा आसानी से प्लेसमेंट पा सकता है। हम अपने दुकानदार भाइयों को, अपने ग्राहक बंधुओं को, अपने नगरवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और अपने देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।